फाइनली मुझे एक आउटफिट पसंद आ ही गया एक डिजाइनर का। व्हाट्सएप करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक बार ही देखूंगा तुम पर। समीर तुम भी शॉपिंग कर लो, तुम्हारी भी शादी है, ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाओगे? रखी हुई पुरानी शेरवानी, तुम्हारे कभी पहने ही नहीं। Are you serious? फजूल बातें क्यों कर रहे हो? खैर मेरा डिजाइनर बना देगा हम दोनों की आउटफिट, यू नो विद कॉम्बिनेशन। ठीक है देख लो। मैं सोच रही हूँ हम अभी चलते हैं, उसको मेजरमेंट्स भी दे देंगे। मैं आऊं तो मैं पिक करूं? चलो कल आ जाऊंगा। अभी कहाँ हो? अभी तो काम से निकला हुआ हूँ, कल पक्का आ जाऊंगा। ओके फाइन, इट्स योर चॉइस, सी यू। क्या है ये बंदा? हाँ कहाँ हूँ मरियम? अच्छा उसी शॉप पर हो ना, कॉस्मेटिक्स ही में आ रहा हूँ। ओके हे जूनी, व्हाट्स अप, कहाँ हो तुम? मैं बस निकल ही रही थी घर से, मैं मॉल जाना है ना मेजरमेंट्स के लिए। क्या समी मॉल में विद हिज फैमिली? नहीं नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई क्या? अभी तो मेरी बात हुई है। नहीं ऑफ कोर्स आई नो तुम जानती हो उसे, लेकिन अच्छा मे भी हसन को कुछ शॉपिंग करवाने गया होगा। अच्छा ठीक है फिर ऐसा करते हैं कल समी के साथ ही चलते हैं शॉपिंग पर। इट्स फाइन, ओके बाय। बड़ा बेटा शादी का जोक तो सुनो। मुझे अक्सर लगता है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब उसे सीरियस हो जाना चाहिए। लेकिन बेटा जब तुम्हें मैं सीरियस देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं कलम। बेटा तुम्हारी माँ होती ना तो वो ये सवाल पूछती। क्या हुआ? डैड मुझे समी अच्छा लगता है। समी? जी हमारे ऑफिस का मार्केटिंग हेड। लेकिन वो तो शादीशुदा है। So what? वो छोड़ देगा उन्हें? बड़े बड़े खानदान के लड़के लाइन में खड़े हैं। लेकिन मैं तो समी से प्यार करती हूं ना। मतलब पता है इस लफ्ज का? नहीं और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं उसे सोचना बंद नहीं कर सकती। प्लीज डैड प्लीज फॉर मी, आई रियली लाइक हिम। प्लीज डैड प्लीज, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?